जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। ये है दाल की काली दाल, जिसको पहाड़ में बहुत ही शुभ माना जाता है। ये काली दाल पहाड़ की जो रीति रिवाज होती है, शादी ब्याह होता है उसमें फर्स्ट इसी की पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इसकी पकौड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, हर शुभ कार्य में बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ शादियों में भी इसका बहुत अच्छी से पकौड़ियाँ बनाने का रीति रिवाज है कुछ। तो मैं अब जब शादियाँ होंगी तो आपको वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही अपने घर में बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कैसे इसकी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो और आगे आप वीडियो देखते रहें। जय माता दी। और ये है काली दाल जो मैंने कल रात को भिगोने के लिए रख दी थी, और ये अच्छी तरह भीग चुकी है। तो अभी इसको भिगाने के बाद इसका बिल्कुल इसका छिलका उतार देते हैं। तो इस पर बहुत ही मेहनत लगती है थोड़ा सा इसका छिलका उतारने में। तो इसके छिलका उतारने के बाद इसके अंदर जो होता है वाइट वाइट बीज होते हैं, इसके अंदर से वाइट ही होता है, ये बाहर से ब्लैक होता है अंदर से वाइट होता है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है पकौड़ियों का। तो ये देखो आप, पूरी तरह मेरे से नहीं निकल पाए इसके छिलके, तो आप देख सकते हैं थोड़ा रह गए हैं। अब मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैंने बोला आप भी इसके छिलके उतारने में मदद करो। तो उसके बाद इसको धुलने के बाद बिल्कुल इसको सिलौटे में पीसना है, मिक्सी में नहीं पीसना है। मिक्सी में पीसोगे तो उसमें अच्छी तरह नहीं पिसता है, इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं तो नहीं पीस पाते हैं। तो इसको सिलौटे से पीसना पड़ेगा। तो पीसने के लिए मेरा भाई भी मेरी मदद कर रहा है। ढंग से पीस, तो अब गुड्डी भी आ गई है घर से, गुड्डी जा रही थी अपने गांव, तो अभी अभी आ रही है गुड्डी। और अब ये इसमें मसाला पीस रही है। हम गुड्डी घर गई थी तो हम इसलिए पकौड़ियाँ बना रहे थे, गुड्डी ठीक टाइम पे आ गई है पकौड़ी खाने के लिए। तो अभी इससे मैं मसाला पिसवा रही हूँ। तो अब इस मसाले को सारा इसमें डाल देते हैं, हरी मिर्च, चोरा, लहसुन और धनिया, जीरा। और अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा नमक, और हरी मिर्ची तो हमने डाल रखी हैं, मसाले भी हमने डाल रखे हैं, और थोड़ा सा इसमें अभी हल्दी डालनी बाकी है। और यहाँ ये प्याज के और करेले के और हरी मिर्ची के पकौड़े भी तैयार कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसमें मसाला मिलना चाहिए, बहुत ही इसमें और कुछ नहीं डालना चाहिए, इसमें बस थोड़ा मसाले डालो, बाकी इसमें बेसन वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो ये इसने हल्दी डाल दी है इसमें, और इसको अब अच्छी तरह से मिलाएगी गुड्डी। पकौड़ी बनाने की तैयारी, और गुड्डी ने कर दिया है अपना गेटअप चेंज। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? इसमें डाली हैं दो पकौड़ी। क्यों नहीं बना दिए? तो ये है एक, हैं? और शुरू करो। और ये अभी एक बार। यार फूलों पत्ता दे भाई, और ना चूल्हा में डाल। ये तो क्यों फूलों का मुंह पानी भी डालना है थोड़ा ऐसे। Thank you.
बना रही है गुड्डी प्याज की पकौड़िया। रात भी हो चुकी है, अब बहुत ही अंधेरा दिख रहा है, कैमरा मेरा लग रहा है मुझे सांप दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्याज की पकौड़िया भी तैयार हो गई हैं और गुट्टी की तरफ तो लाइट भी नहीं है, वो और अंधेरा हो रहा है। तो ये है हमारे प्याज की पकौड़ी और दाल की पकौड़िया। तो अजय फिर भी बोल दो कैसी लगी। तो कैसी लगी टेस्ट, आपको टेस्ट कैसा लगा इसका आप कमेंट में जरूर बताएं। और ये प्याज की और दाल की पकौड़ियाँ आपको कैसी लगी, तो नमक ज़्यादा था या कम था आप टेस्ट करके बताएं हमको। तो अगर आपको भी खाना हो तो काली मठ आएँ, स्पेशली आपके लिए बनाएंगे हम, मेरे यूट्यूब के सारे फ्रेंड आप सबके लिए हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, ये प्याज की दाल की जैसे भी आपको पसंद हो। चलो।